बीच सड़क पर जिन लोगों का पुलिस जुलूस निकाल रही है उन पर एक एसटीओपी की पिटाई का आरोप है। इस जुलूस में कांग्रेस के राज्य महासचिव का बेटा भी शामिल है। मामला कोडा गांव का है, जहां राज्य कांग्रेस महासचिव के बेटे पर एसडीओपी को पीटने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि यहां मौजूद स्टेडियम मैदान में गरबा हो रहा था, इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कांग्रेस नेता मनीष श्रीवास्तव का बेटा सिद्धार्थ श्रीवास्तव अपने दोस्तों के साथ हंगामा कर रहा है, जिसके बाद एसटीओपी निमितेश सिंह मौके पर पहुंचे। आरोप है कि इसी दौरान सिद्धार्थ ने एसटीओपी से बदतमीजी की और उनकी पिटाई कर दी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता के बेटे सिद्धार्थ समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। कल रात कोंडा गांव में जो स्टेडियम है वहां गरबा ग्राउंड पे हुड़दंग की सूचना मिली थी। पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची और हुड़दंगियों को समझाया तो हुड़दंगियों ने पुलिस के साथ ही मिसबिहेव किया। उस आधार पे इन सभी के ऊपर विधिवत कार्रवाई की गई है और इसमें अभी 6 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, 2 अन्य बचे हैं, उनकी भी तुरंत गिरफ्तारी की जा रही है। इन पर सभी पे जमानती धाराएं लगी हैं, इसमें 143, 143, 353, 305 में, और अभी अब चली रही है कार्रवाई। कुल कितने लोगों के नाम से इसमें मामला बनाया गया? अभी तक तो 8 के नाम सामने आए हैं, इसमें 6 हिरासत में। क्या चीज खुद से किया है लोग, सरेंडर किया करके? इसमें जो रात को तो इसको सिद्धार्थ श्रीवास्तव को वही मौके से ही लेके आया गया था, इसके अलावा कुछ लोग अभी आए थाने में, कुछ को और दो को लेने गए। इस मामले को तूल पकड़ता देख राज्य कांग्रेस महासचिव खुद मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपने बेटे की करतूत पर दुख जताया और साथ ही ये भी कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। रात गरबा चल रहा है यहाँ स्टेडियम ग्राउंड में, वहाँ पर पुलिस वालों के साथ पता नहीं किस कारण से झुमा झटकी हुई इसकी एसडीओपी के साथ, तो मैं थाना इसको लेके आया। अब मैं ऐसी घटना की निंदा कर रहा हूँ और पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, उससे मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। गलती की है तो सजा मिलना चाहिए। और बस ये है कि अभी वो बच्चा है, ऐसी कार्रवाई ना हो जाए कि उसको आगे जाके तकलीफ का सामना करना पड़े, लेकिन कार्रवाई तो होना चाहिए। मैं सपोर्ट में हूँ पुलिस की, कार्रवाई पुलिस कर रही है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। आरोप तो ये भी है कि जिस वक्त ये मार पिटाई हुई आरोपी नशे में धुत था। फिलहाल इस मामले पर पुलिस अधिकारी कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे। उधर मामला सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा है, लिहाजा इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी राज्य की भूपेश बघेल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है और सरकार से सवाल पूछ रही है। फिलहाल सभी आरोपियों को गैर जमानती धाराओं में गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया है। कोडागांव से धर्मेंद्र महापात्रा की रिपोर्ट, MP तक।